आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के सामने जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नगर पालिका के पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे सही जगह इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे शहर का विकास होगा। देहरादून में आपके कार्यकर्ता नगर पालिका कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और उन्होंने नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर कहा कि नगर पालिका का जो पैसा है वो गलत सलत जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इस पैसे का इस्तेमाल नगर के विकास के लिए होना चाहिए। इस मामले को लेकर नगर पालिका के पूर्व सभासद गोपाल शर्मा ने कहा कि डोईवाला में सिविल लाइन्स की व्यवस्था हो, जिस प्रकार से पूरे शहर में गंदगी का आलम है उससे बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। जिस विश्वास के साथ में डोईवाला के लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष बनाया था, उस विश्वास पर खरे नहीं उतर पाए हैं। आप देखिए डोईवाला की सारी किसी भी मोहल्ले किसी भी वार्ड में आप चले जाएं, सारी सारी नालियां टूटी हुई हैं और थोड़ी सी बारिश आती है वो सड़क भर जाती है, मतलब लोगों को रास्ता घर से निकलने का भी बंद हो जाता है। तो ये कैसी नगर पालिका है डोईवाला की, जिसने अपने वादों पर खरे उतरने का काम नहीं किया। डोईवाला नगर पालिका कार्यालय में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। हमारी मुख्य मांग यह है कि जिस प्रकार से डोईवाला नगर पालिका का जो पैसा है गलत जगहों पर मिसयूज किया जा रहा है, उस पैसे को सड़कों नालियों और बिजली में यूज ना करके बड़े बड़े पार्क बनाए जा रहे हैं। क्या फ़ायदा उन पार्क का जब गरीब जनता परेशान है, सारी नालियाँ टूटी हुई हैं, खंभों पर लाइटें नहीं हैं, लाइटें जल रही हैं तो दिन में भी जल रही है जिनकी जल रही है, और जिन पर नहीं है रात को नहीं है, और कुछ लोग डोईवाले में इतने लोग गरीब लोग किराए पर रह रहे हैं और नगर पालिका पे इतनी खाली ज़मीनें पड़ी हैं जिसमें बड़े बड़े पैसे वाले लोग कब्जा कर रहे हैं। कम से कम उन गरीब लोगों को ज़मीनें दे दो, वो अपने दो दो मकान बना लेंगे, और तो कोई व्यवस्था दे नहीं सकते, इसलिए आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।